स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोग का जो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे सर जोसेफ लुई प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया था, वो पढ़ा था। अब उसके बेस पर उससे रिलेट करते हुए कुछ न्यूमेरिकल अपन यहाँ करेंगे। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कौन सा है, 2.16 ग्राम धात्विक कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, जलित करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड का भार 2.7 ग्राम पाया गया। एक अन्य प्रयोग में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर 0.92 ग्राम कॉपर प्रदान किया। दर्शाइए कि यह स्थिर अनुपात नियम को सिद्ध करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको आधे आधे सवाल को लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉपर का भार, तो कॉपर का भार निकालेंगे, कितना दे रखा है, कॉपर का भार 2.16 ग्राम। ठीक, आगे अपचयित करने पर क्या मिला अपने को, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड CuO का भार कितना दे रखा है, 2.7 ग्राम। अब देखो यहाँ पर CuO में कॉपर अपने पास कितना है, 2.16, तो ऑक्सीजन की मात्रा अभी अपने पास नहीं है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से निकालना पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का भार अपन क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीजन का भार कैसे निकालेंगे, Cu+O = CuO, ठीक इस टाइप से बना है। कॉपर की मात्रा कितनी है, 2.16, ऑक्सीजन अपने को ज्ञात करना है, और ये कितना है, 2.7, तो X निकालना है, तो 2.7 माइनस 2.16 कितना आएगा, 0.54 ग्राम। ठीक, ये अपने पास ऑक्सीजन आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, कॉपर की मात्रा देखनी है और ऑक्सीजन की मात्रा देखनी है कि क्या है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, मात्रा आ गई है, अब अपन इसका प्रतिशत निकालेंगे, Cu का प्रतिशत देखेंगे। तो कैसे निकलेगा, Cu का भार बटा क्या करेंगे, CuO का भार गुणित 100। CuO का भार कितना दे रखा अपने को, 2.16, CuO का कितना आया था, 2.7 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से कितना आएगा अपने पास, 80% Cu की वैल्यू आएगी। ठीक, अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत = ऑक्सीजन का भार बटा CuO का भार गुणित 100। ऑक्सीजन का भार कितना दिया हुआ है अपने पास, 0.54, Ca कितना दिया हुआ है, 2.70 इंटू 100। ये अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20%। ठीक, कॉपर का प्रतिशत आया 80 और ऑक्सीजन का कितना आया, 20%। ये अपना क्या हुआ, यहाँ तक का आधा सवाल सॉल्व हो गया। अब अन्य प्रयोग में अपन देखेंगे क्या है, अन्य प्रयोग में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, तो CuO का भार कितना मिला अपने पास, 1.15 ग्राम, फिर अपचयित होकर कितना कॉपर मिलना, तो CuO का भार कितना हो गया, 0.92 ग्राम। अब यहाँ पर CuO में कॉपर दिया हुआ है, ऑक्सीजन अपने को मालूम नहीं है, तो ऑक्सीजन का भार निकालेंगे, ऑक्सीजन का भार कैसे हुआ, Cu+O = CuO, Cu का कितना दे रखा है, ये ऑक्सीजन X, CuO का 1.15, X की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.15 माइनस 0.92, तो ये आएगा 0.23 ग्राम। ठीक, अब अपने को क्या करना है, वही सेम Cu का प्रतिशत निकालेंगे, Cu का प्रतिशत बराबर Cu का भार बटा CuO का भार गुणित 100। Cu का भार कितना है, 0.92, CuO का 1.15 और
सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 80% के आसपास। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो ऑक्सीजन के प्रतिशत का सूत्र, ऑक्सीजन का भार बटा CuO का भार गुणित। ऑक्सीजन का भार कितना आया, अपन सॉल्व किया था तो आया था 0.23। CuO का कितना दे रखा है, 1.15 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20% के आसपास आएगा। ठीक, तो जब अपनों ने एक यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा था, इसमें कॉपर और ऑक्सीजन जो अलग अलग मेथड से यहाँ पर मिल रहे थे, तो जिसमें पहली मेथड में CuO था उसमें कॉपर आया था 80% और ऑक्सीजन आया था 20%। दूसरी मेथड में भी CuO बन रहा था, CU कितना आया था 80%, ऑक्सीजन आया 20%, जो स्थिर अनुपात के नियम को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। मतलब पदार्थ को आप कहीं से भी प्राप्त करें, कितनी ही विधियों से क्यों ना बनाया जाए, रासायनिक दृष्टि से जो उसमें तत्व है भार अनुसार एक निश्चित संगठन में ही पाए जाते हैं। तो इस टाइप से अपनों ने क्या किया, स्थिर अनुपात नियम का ये एक न्यूमेरिकल करा है। ये अपने पास दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल, CuSO4 क्रिस्टल में 25.45% Cu, 36.07% जल है। यदि स्थिर संगठन का नियम सत्य हो तो 40 ग्राम CuSO4 का क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आवश्यक कॉपर के भार की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है अपने को, कॉपर का प्रतिशत कितना दे रखा है, 25.45%। H2O जल का प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 36.07%। और अपने को क्या करना है, SO4 का प्रतिशत अपने को निकालना है। ठीक, तो कुल परसेंटेज होता है अपना 100 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो CuSO4 का प्रतिशत मिल जाएगा अपने को, 25.45 प्लस 36.07, 100 माइनस 12, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा ये, 38.48, राइट है ना, एक बार देख लेना इसको, 7 और 5 12, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 3 2 5 और 1 6। ठीक, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3। ठीक, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर मान लो 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर की मात्रा कितनी होगी, जब परसेंट में 100% में से कितना है कॉपर, 25.45% है, तो 100 ग्राम में से कितनी मात्रा होगी इसकी, 25.45 ग्राम। ठीक, तो 40 ग्राम CuSO4 में कितना मिलेगा, 40 ग्राम में कितना मिलेगा, 25.100 × 40। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.18 ग्राम। ठीक, तो 40 ग्राम पे 10.18 मिलता है, तो 100 ग्राम पे कितना मिलेगा, 25.45 ग्राम। तो ये रूल भी क्या करता है, ये क्वेश्चन भी जो है स्थिर अनुपात नियम को सही साबित करता है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों जो क्वेश्चन थे, दोनों न्यूमेरिकल थे, वो समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो इस
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए नमस्ते।